ये जो पौधा है अभी 12 दिन का हो गया है, अभी इसमें हम लोग फर्स्ट टाइम वीडिंग करेंगे, तो उससे पहले हमको देखना है कि एक्चुअली वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है श्री में। नॉर्मली हम लोग जब राइस ट्रांसप्लांटिंग करते हैं या फिर राइस का खेती, धान का खेती करते हैं, तो उसमें क्या पूरा 4-6 इंच का या कभी कभी 1-2 फीट का भी स्टैंडिंग वाटर रखते हैं, जिसमें कि पूरा पौधा का जो जड़ है वो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, और वेजिटेटिव फेज में ही 3/4 रूट जो है वो पूरा सड़ जाता है। तो उसके लिए हम लोग को जो फील्ड में स्टैंडिंग वाटर को अवॉइड करना है, और ऐसे फील्ड चेंज करना है श्री के लिए जहाँ पे कि हम लोग इरिगेशन भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पानी को निकाल भी सकते हैं। ये एक आइडियल फील्ड कंडीशन है। देखिए अभी जो ये जो फील्ड बना है इसमें अभी स्टैंडिंग वाटर बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी हम लोग उसमें पानी इरिगेशन कर रहे हैं ताकि उसमें 1 इंच का पानी आ जाए। तो अभी हम पहली बार वीडिंग करने के टाइम पे इसमें 1 इंच का पानी रखेंगे, फिर वीडर चलाएंगे, नहीं तो वीडर चलाना मुश्किल हो जाएगा। फिर वीडर चलाने के फर्स्ट टाइम वीडिंग के बाद से पूरा वेजिटेटिव फेज की एंड तक पूरा 1-2 इंच का पानी रखेंगे, ताकि ज़्यादा पानी नहीं रखेंगे, ताकि एरोबिक कंडीशन होगा और उसमें जो पौधा का जो ग्रोथ है वो अच्छा होगा। तो पानी ज़्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है देखो, और प्लांट का हालत क्या रहा देखो। ये ज़्यादा पानी से ये 2-3 ठो पौधा का पिलर निकलता है, ये जहाँ से कमती पानी है इसका जड़ और प्लांट का नंबर और टिलर्स का नंबर बहुत होता है। और क्या होता है कि पानी के जो जड़ को जो चाहिए हवा, ये हवा धीरे से चल जाता है, ये हवा जाते नहीं, इसके इसलिए इसका जो जड़ है ये पूरा से पूरा नाली हो गया है और ये मर गया। ये जड़ का कोई काम करता नहीं है, ये क्या होता है कि खाद ये मिट्टी से ला सकते नहीं, इसलिए पानी एक बार खड़े हो जाएगा तो जड़ लाल हो जाता है, इसका खाना निकालना छोटा हो जाता है, और इसका जो जड़ है ये जड़ पूरा हल्का धौला है और पूरा से पूरा पील बहुत होता है। और क्या है, जितना खाद है ये खाद लेके प्लांट को देना इसका शक्ति बहुत है। तो पानी इसको ज़रूरत है, मगर ज़्यादा पानी नहीं, पूरा से पूरा गीला होना चाहिए, पानी स्टैंडिंग है नहीं, पानी गीला होना चाहिए, तब ये टिलरिंग और जो जड़ का नंबर्स और जड़ का नंबर ज़्यादा होने से हमारा पील ज़्यादा होगा और अमल बहुत बढ़ेगा। जो पानी का लेवल है ये इतना होना चाहिए, देखिए ये कम से कम 0.5 इंच से कम, ऐसा नहीं इतना पानी है नहीं, देखो ये कितना है और ये कितना है, ऐसा ये है राइट और ये है रॉन्ग। पानी का पोजीशन ऐसा नहीं, पानी का पोजीशन ऐसा होना चाहिए, कितना पानी है कम से कम ये 4-5 इंच का पानी है, इतना पानी चाहिए नहीं, बहुत पानी होने से इसका हालत ऐसा होता है। देखो कमती पानी होने से ये जो जड़ है ना, ये जड़ का लंबाई बढ़ जाता है, ज़्यादा जड़ आ रहा है और इसका टिलरिंग बढ़ जाता है, तो नंबर ऑफ पौधा है ये भी अच्छा होता है और हेल्थ भी होता है। तो हम लोग का ज़्यादा देखो ये बहुत पानी होने से इसका हालत ऐसा होता है।